कश्यप मंडल का एज लिमिट बनाया गया है। जो नए मंत्री बने हैं उनको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे शहर में जयभान सिंह पवैया जी के पोस्टर लगे हुए हैं, उनको मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अब उच्च शिक्षा में वो क्या योगदान देते हैं इसका हम लोग बारीकी से ध्यान देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से राजनीति जीवाजी विश्वविद्यालय में हो रही है और जिस प्रकार से रजिस्ट्रार यहाँ के जो हैं वो पूरे तरीके से राजनीति कर रहे हैं, उन पर जयभान सिंह पवैया नजर रखते हैं नहीं रखते हैं इस पर हमें देखना होगा। रुस्तम सिंह जी शायद गृह विभाग चाहते थे लेकिन स्वास्थ्य विभाग मिला है। बाकी सभी मंत्रिमंडल में जो लिए गए उनको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। देश में अभी जो खबरें आ रही हैं कि हैदराबाद में कुछ आईएसआई से संबंधित कुछ लड़कों को नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने पकड़ा था, और असद उवैसी कह रहे हैं कि मैं उनकी पैरवी करूंगा, उनके पक्ष में खड़ा होऊंगा। दूसरी तरफ मालेगांव ब्लास्ट में जो आरोपी है साथी प्रज्ञा है या कर्नल पुरोहित है स्वामी असीमानंद है, उनको छुड़ाने का भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास कर रही है। यानी कि दोनों तरफ से कट्टरपंथी ताकतें जो आतंकवाद और बम ब्लास्ट में शामिल है, संभावना है जिनकी उसमें शामिल होंगे, ऐसा है कि अगर शामिल हुए तो आतंकवाद का एक रास्ता है, तो ये बात प्रमाणित करता है जो मैं शुरू से कहता रहा हूं कि ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। कट्टरपंथी विचारधारा सनातन धर्म हिंदुओं की और कट्टरपंथी विचारधारा मुसलमानों की, यही मिलकर इस देश में फिरका परस्ती ताकतों को मजबूत करते हैं और मिलकर दंगे फसाद कराते हैं, और इससे ही प्रमाणित होता है। देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जो भी आंकड़े दिए जा रहे हैं वे आंकड़े स्वयं केंद्र के अनेक वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री भी उसमें उनको नहीं मान रहे हैं, और जो जीडीपी के आंकड़े दिए जा रहे हैं वो पूरे तरीके से अप्रमाणित है। श्री सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस प्रकार से अरुण जेटली पर हमला जारी रखा हुआ है और वित्त मंत्रालय के हर अधिकारी के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए हैं, अभी श्री दास जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उन पर आरोप लगाया है कि 100 करोड़ का घपला उन्होंने जब वे तमिलनाडु में उद्योग सचिव थे तब उन्होंने किया है। इसी तरह के आरोप उन्होंने अनेक अधिकारियों पर लगाए हैं, और बेताबी से वे इंतजार कर रहे थे कि सुब्रमण्यम स्वामी इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और उन्हें वित्त मंत्रालय सौंपा जाएगा। ऐसा उन्होंने कई लोगों से चर्चा में भी कहा था कि मैं बहुत जल्दी वित्त मंत्री बनने वाला हूं, और इसीलिए लगातार वे श्री अरुण जेटली पर निशाना साधकर आरोप लगाते रहे। अब ये बात जांच का विषय है कि सुब्रमण्यम स्वामी जिन आरोपों के आधार पर अधिकारियों को उन्हें टारगेट कर रहे हैं उस पर अरुण जेटली जी क्या कार्रवाई करते हैं या प्रधानमंत्री जी क्या कार्रवाई करते हैं, क्या अरुण जेटली जी ऐसे अधिकारी जिन पर आरोप सुब्रमण्यम स्वामी जी ने लगाया है उनका बचाव क्यों कर रहे हैं, उसकी जांच क्यों नहीं होना चाहिए,
के सारे प्रश्न आज उपस्थित होते हैं। पूरे देश में करप्शन की बहुत सारी बातें करते आई भाजपा, लेकिन एक उदाहरण आप देख लीजिए गुजरात पेट्रोलियम स्टेट कॉरपोरेशन का, पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का, जिसमें 20,000 करोड़ का कर्जा उसके ऊपर है और उसमें काफी बड़े पैमाने पर शेयर प्राइसेस में घपला हुआ है, वैल्यूएशन में घपला हुआ है और कुछ फर्जी कंपनियों को लाभ पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। हमने इस बारे में मांग की थी, ये पूरा प्रकरण सेबी को भी सौंपना चाहिए और सीबीआई को भी सौंपना चाहिए कि उसकी जांच हो, लेकिन जब सैया भये कोतवाल तो काहे का डर, स्वयं मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल का ये भ्रष्टाचार का प्रकरण क्यों आगे बढ़ेगा, हम उसकी जांच की मांग करते हैं। महंगाई थम नहीं रही है, जब दाल 70-80 रुपया किलो हो गई थी तो पूरी भाजपा सड़कों पर आ गई, आज 150 से 200 रुपये किलो दाल है, भाजपा मौन है। जितने भी वादे किए थे नरेंद्र मोदी जी ने, एक वादा भी वो पूरा नहीं करा पाए, ना 15 लाख रुपए खातों में आए, ना महंगाई कम हुई, ना 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, ना यहां पर अर्थव्यवस्था सुधरी, रुपया का मूल्य घटता जा रहा है, क्रूड ऑयल की कीमत हो जाने की कम हो जाने के बावजूद भी पेट्रोल की उस अनुपात में कीमत कम नहीं हुई और क्रूड ऑयल के कम होने के वजह से उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाकर किसी को अगर लाभ हुआ है तो वो केंद्र सरकार को हुआ है, जबकि ये लाभ कंज्यूमर को होना चाहिए था, वो कंज्यूमर को ये लाभ नहीं पहुंचाया। आज कोई मुझसे पूछ रहा था कहां तक सही है, कोई हैप्पीनेस मंत्रिमंडल मध्य प्रदेश में बन रहा है, ये कैसा मंत्रिमंडल है हैप्पीनेस वाला, इसकी व्याख्या स्वयं शिवराज सिंह चौहान को करना चाहिए, जब पूरे प्रदेश में नाराजी है जनता में। अगर हैप्पीनेस है तो केवल मंत्रिमंडल में हैप्पीनेस है, इसके बारे में क्या हैप्पीनेस मंत्रिमंडल बनेगा इसकी व्याख्या होनी चाहिए। आज मैं श्योपुर गया था, हमारे मंत्रिमंडल के साथी थे इब्राहिम कुरैशी जी के दुखद ध्यान के काल में वहां गया था, लेकिन लोगों से जब मेरी मुलाकात हुई तो ये ध्यान में बात लाई गई कि जिन लोगों को मेरी सरकार में पट्टे मिले थे उनके पास किताबें हैं लेकिन कब्जा नहीं, न कब्जा मिला है न तुमको रेवेन्यू रिकॉर्ड में कंप्यूटर पे चलाए गए, वे बेचारे दर दर भटक रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। इसी प्रकार से कुनो नेशनल पार्क के गांव में, जो नेशनल पार्क में जो गांव है उसके हटाने की प्रक्रिया में मुआवजा बेहद कम दिया जा रहा है, और अभी मैं तेलंगाना गया था तो वहां नेशनल पार्क और गेम सेंचुरी से जिन गांवों से लोगों को हटाया गया था उनको परिवार के प्रति व्यक्ति को 10 लाख रुपए दिए गए और रहने को जगह दी गई। देश में एक राज्य नेशनल पार्क और गेम सेंचुरी से लोगों को हटाने में 10 लाख प्रति एडल्ट हर परिवार में दे रहा है और हमारे यहां 32,000 रुपया बीघे के हिसाब से
मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंतर्गत हमको किसानों को लाभ देना चाहिए। मेरा ये आरोप है सरकार पर कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम का आज तक पालन नहीं हो रहा है। जिन किसानों की जमीन ली जा रही है उनको मार्केट बाजार से 4 गुना कीमत मिलना चाहिए, और हर परिवार जो जमीन खोता है उसको एक नौकरी मिलना चाहिए, और नौकरी नहीं दी जाती है तो उसको अगले 20 साल तक 5,000 से 7,000 रुपए माहवार की एन्युटी देने का उसमें प्रावधान है, या 5,00,000 रुपए एक कुछ देने का प्रावधान है। उसका पालन आज भी मध्य प्रदेश सरकार नहीं कर रही है, मेरा आरोप है। बाकी कोई प्रश्न पूछना चाहे तो करके सर आप उत्तर प्रदेश के लंबे समय तक आप प्रभारी रहे जी। अब उत्तर प्रदेश को कुछ महीने बाद चुनाव होना है जी। प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार प्रचारक होंगी या नहीं होंगी, ये सस्पेंस से पर्दा कब हटेगा? ये पर्दा या तो उत्तर प्रदेश के प्रभारी महामंत्री गुलाम नबी आजाद हटा सकते हैं, या प्रियंका गांधी स्वयं हटा सकती है। क्या कांग्रेस में ऐसा कुछ चल रहा है क्या? मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, एक शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने का भी ये सारे प्रश्न उत्तर प्रदेश से जो है उससे मैं संबंधित इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं वहाँ का प्रभारी नहीं हूँ, मैं उसके कोई उत्तर नहीं दे पाऊंगा। आप कुछ पूछ रहे थे इधर से आज तो किसी ही आप जी ना ना देखिए इसमें मजाक की बात है। बाबूलाल जी गौड़ एक बहुत ही कर्मठ और प्रतिबद्ध राजनेता हैं, जो जनसंघ से लेकर आज तक 11, 12, 13 पता नहीं कितनी बार तो विधायक चुने गए हैं और अच्छे बड़े मार्जिन चुने जाते हैं। मैं तो उनका बड़ा सम्मान करता हूं, ना वो इस उम्र में अपनी पार्टी बदलेंगे। इतना जरूर है कि मेरी उनसे बात हुई थी, मैंने उन्हें बधाई दी थी कि आप मार्गदर्शक मंडल में प्रवेश कर चुके हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। तो उन्होंने कुछ नाराजी जरूर बताई थी, मैंने कहा ठीक है जितने दिन आप रहे कुछ कम आपको थोड़ी मिला है, खूब मिला है। सर बाबा रामदेव अपने प्रोडक्ट का जो प्रचार करते हैं और उसका उस प्रोडक्ट को लेके जो सरकारी एजेंसी है उसने आपत्तियां की है कि वो जो है गलत बयानी कर रहे हैं। मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ कि बाबा रामदेव सबसे बड़ा ठग है।